प्रभु प्यार का बाहों में वो बुला रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा स्नेह में सबको समा रहा नमस्कार एंड वेलकम टू Awakening with Brahmakumaris. Sister Shivani is with us. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti. Aaj aapke haath mein murli hai. Hum sunen? Zarur. Murli, jisko hum Ishwari Mahavakya, jo nirakar Paramatma Shiv, srishti par avtaran hokar jo gyan hume dete hain, usko hum murli kehte hain. Aur har center par jahan bhi hum jayen, it's a very beautiful system ke headquarter Mount Abu se सेम मुरली पूरे वर्ल्ड में हर रोज जो मुरली है वर्ल्ड वाइड 8500 सेंटर्स में सेम मुरली पहुंचती है ताकि सभी की जो वाइब्रेशन है सभी की स्टडी है वो सेम टॉपिक पर उस दिन चल रही है सो इट क्रिएट्स अ वेरी नाइस फील वर्ल्ड वाइड 8500 सेंटर इन 133 कंट्रीज और तो लोग कितने होंगे होंगे लाखों में इट्स ओवर मोर देन 10 लाख्स रेगुलरली स्टडिंग A million people. Regular studying. जो वैसे जुड़े हैं कभी-कभी आते हैं वो तो अलग. Regular studying. तो दिन में दो बार करिए. दिन में दो बार तो regular class, morning and evening. And उसके अलावा दिन में भी बहुत भाई-बहने आते रहते हैं according to their timing. पूरी प्रगति में universe में अच्छे वातावरण. Vibrations फैलते हैं. Yes. आज की मुरली का title परोपकारी कैसे बने? परोपकारी. दूसरे पर उपकार करने वाला. मतलब सेवा किसी भी रूप से हम कैसे किसी और को सहयोग दे सकते हैं या किसी ऊपर उपकार कर सकते हैं यहाँ तक कि अगर किसी ने हमारा अपकार भी किया है उस पर भी उपकार करना अहंकार नहीं है सिस्टर नहीं उपकार करना मतलब किसी को सहयोग देना किसी के लिए कुछ करना ईगो कॉन्शियस जब हम होंगे तो हमें लगेगा अगर हमने किसी के लिए कुछ किया तो वो हमने जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया नहीं लेकिन किसी के लिए कुछ करना इसको उपकार कहेंगे तो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे ये करें कि हम रियली किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो परोपकारी कैसे बने परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है इजी भी है परोपकारी का मीनिंग लेकिन डीप भी है गुह्य भी है फर्स्ट पॉइंट परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान मतलब पिता समान परमात्मा समान हर आत्मा के गुण मूरत को देखता है परमात्मा हर आत्मा को हमेशा उसके गुण को देखता है जब हम कहते हैं वो पिता है हम उसके बच्चे हैं तो फिर जैसा पिता वैसे बच्चे तो पिता से सीखना है कैसे बनना है तो अगर पिता हर एक के गुण को देखता है तो हमें भी हर आत्मा के गुण को देखना है तो फर्स्ट पॉइंट परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूरत को देखते दूसरी पॉइंट परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे क्योंकि हमारे आसपास सभी जो आत्माएं हैं इंक्लूडिंग मी माइसेल्फ हर एक हम खुद एंड हमारे आसपास जो है उसमें गुण भी हैं अवगुण भी हैं तो एक तो पुरुषार्थ करना कि जो मिले जिसके साथ हम सारा दिन काम कर रहे हैं हमारी दृष्टि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ ट्यून हो जाए उसकी विशेषताओं को देखना और अगर मैं किसी को नहीं जानता हूँ पहली बार देख रहा हूँ तो कैसे गुण देखूंगा हाँ तो पहली बार जानते हैं तो किस पर्सपेक्टिव से देखे कि ही इज आल्सो अ सोल ही इज प्योर ब्यूटिफुल एकदम चित्त को कैसे रखें बिल्कुल साफ एकदम क्लीन कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन कोई प्रीवियस लेबल कोई प्री कंसीव्ड इमेज पहले से ही सोचना कि वो कैसे होंगे आई डोंट नो
कि वो कैसे होंगे. तो फिर अगर हम किसी को बिल्कुल नहीं जानते तो फर्स्ट मीटिंग कैसी होनी चाहिए? एकदम क्लीन. और जैसे ही हमारे से वो एकदम क्लीन वाली वाइब्रेशंस जाएंगी तो वो सामने वाली आत्मा के अंदर भी क्या ट्रिगर करेगी? अच्छा, रिटर्न में नेचुरली वो उसके अंदर की ब्यूटी को ट्रिगर करेगी. आप किसी को डाउट करो, वो उसके अंदर की नेगेटिविटी को ट्रिगर करेगी. आप किसी को ट्रस्ट करो, वो उसकी प्योरिटी को ट्रिगर करेगी. तो अगर हम किसी को बिल्कुल नहीं जानते तो और भी ईजी है. लेकिन फिर तब ध्यान रखना है कि चित बिल्कुल क्लीन, ऐसे नहीं. और जानने के बाद उसके गुड एंड बैड पॉइंट्स मालूम होने के बाद, हाँ, तो फिर वो पॉइंट्स मिल गई ना. जब जानने के बाद, मिलने के बाद, एंड वो भी कुछ बार इंटरैक्ट करने के बाद, एक तो अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून्ड रखें कि विशेषताओं को देखें, गुण मूर्त, हर आत्मा को गुण मूर्त देखें कि हर आत्मा में गुण है, फर्स्ट पॉइंट. दूसरी, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से, अपने सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति देना. आत्मा के अंदर अवगुण है. सपोज किसी के अंदर झूठ बोलने की आदत है, किसी के अंदर लेट आने की आदत है, किसी के अंदर कोई छुपाने की आदत है, किसी के अंदर गुस्से की आदत, कोई भी आदत है, हमने देख ली, अब हमें पता ही चल गई कि इसके अंदर ये है. अब जितना हम उसके बारे में चिंतन करेंगे तो फिर हमारी वाइब्रेशंस कौन सी जा रही हैं? नेगेटिव. वो उस आत्मा को फिर डिप्लीट करेगी. परमात्मा ने कहा उसके अवगुण को भी देखते अपनी शुभ भावना से, मतलब उसके अवगुण को देखते हमारी भावना अशुभ न बन जाए. अशुभ मतलब इम्प्योर थिंकिंग, मेरी भावना, yes, मेरी फीलिंग, yes, yes, मतलब मेरी, वो दिख रही है लेकिन वो तो बाहर है ना, यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, वो यहाँ है. मेरी भावना कैसी रहे? क्लीन. तो मेरी भावना हरेक के अवगुण को देखते अडल्ट्रेटेड अगर हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है, तो फिर वो मेरा भी नुकसान, उसका भी नुकसान. तो इसीलिए लाइन बहुत ब्यूटीफुल है, अवगुण कमजोरी को देखते, क्योंकि दिखेगी, अपनी शुभ भावना से. आपकी वो कमजोरी तो नहीं है ना, तो आपकी भावना शुभ है, वो शुभ ही रहे. वो दूसरे के संस्कार को देखकर अशुभ न बन जाए. सहयोग की कामना से कि मुझे उस आत्मा को क्या देना है, सहयोग देना है. अवगुण को देखते भी उस आत्मा को गुणवान बनाने की शक्ति देना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ये हमें शायद ही किसी ने सिखाया हो आज तक कि हमारी शुभ भावना दूसरी आत्मा के लिए शक्ति बनती है. और ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर एक आज कह रहा है मैं कैसे चेंज करूँ, मैं कैसे उनको चेंज करूँ, मैं कैसे बच्चे को चेंज करूँ. तो हम बोल के नहीं चेंज कर सकते, पत्नी के लिए बोलती, पत्नी पति के लिए बोलती, माँ बाप. तो हमारी शुभ भावना, बट सिस्टर सब लोग एक दूसरे को चेंज करने पे तुले हुए. किसी के लिए अगर हमें कोई दिखे कि कोई संस्कार उनके लिए अनकंफर्टेबल है, आपसे बात करते करते और मुरली दिखते हुए पहले अपने शुभ भावना हो, हाँ, तो मैं तो पहले चेंज हूँ. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपकी जो लाइन है, परोपकारी पहले अपने ऊपर. हाँ, लेकिन जो आपकी लाइन है कि शुभ भावना से उसकी गलती नहीं देखते हुए, हाँ, तो मतलब पहले मैं अपना चेंज हुआ. यस, ये सबसे हमेशा कुछ और करने जाएंगे, वरना मेरे में तो जजमेंटल आदत ही है. जजमेंटल देखो कैसे काम कर, देखो कैसे चिल्ला रहा है, देखो कैसे चोरी कर रहा है, देखो हमेशा लेट आता है. तो मतलब पहले मैं चेंज हुआ ना, उसको शुभ भावना देते देते. तो अपनी भावना कैसी रखी? प्योर. तो सबसे पहले उपकार किस पर सोचे? सपोजिंग फॉर एक छोटी सी बात, किसी को झूठ बोलने की आदत, तो शुभ भावना क्या बोल के बोलूं कि भगवान इसको ठीक कर दे, ठीक हो जाएगा? ये अक्वायर्ड संस्कार है. इस संस्कार से इसको भी कितनी तकलीफ होती होगी, इस संस्कार से ये भी कितना कमजोर होता जाएगा. तकलीफ होती है हर बार हम झूठ बोलेंगे तो हमारी आत्मा की शक्ति क्या होगी? आत्मा की शक्ति कम होगी, कमजोर होगा. तो जब आत्मा की शक्ति कमजोर होगी तो दर्द नहीं होगा? हर बार जब मेरी शक्ति कम हो रही है तो तकलीफ नहीं है? फिर झूठ बोल के फियर, वो तो और रेपोकशन, उसके फियर तो रहेगा ही झूठ बोलने का, फिर और संस्कार बन गया. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार जब झूठ बोला, सी एवरी टाइम, एक्चुअली सिर्फ झूठ बोलना नहीं, कोई भी चीज़,
एवरी टाइम मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल क्वालिटी के अगेंस्ट कोई भी चीज जब क्रिएट कर रही हूँ, मेरी ओरिजिनल क्वालिटी 7, सुख शांति पवित्रता आनंद प्रेम ज्ञान, ये 7 ओरिजिनल, ओरिजिनल मीन्स जिस चीज की मैं हूँ, बनी हूँ. एवरी टाइम आई क्रिएट अ थॉट फीलिंग आउट ऑफ दी 7 ओरिजिनल क्वालिटीज, सोल विल गेट एम्पावर्ड. सोल विल गेट एम्पावर्ड क्योंकि आपने अपनी ओरिजिनल जो आपके लिए अच्छी है, प्योर है, पावरफुल है. मैं अगर आपको प्यार दूं, हाँ, शांति से बात करूं, राइट, तो सबसे पहले कौन स्ट्रांग बन जाता है? सबसे पहले आप स्ट्रांग बन जाएंगे. और हर बार जब आप उस 7 के विरुद्ध कुछ करेंगे डिफरेंट, तो सबसे पहले कमजोर कौन बन जाएगा? हर बार जब हमने सच को यूज किया, विल पावर बढ़ी. विल पावर बढ़ी. मैं हमेशा स्टाफ को ऐसा बोलता था कि एक चीज है मुझ में, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता. मुझे बहुत गुस्सा आता है. तुम सीधा आके बोलो, मुझे झूठ बर्दाश्त, कितना चिल्लाता था ये सुन के इतना अच्छा लगा. यस, विच इज अ नाइस लाइन कि दूसरों के अंदर सच्चाई के कॉन्सेप्ट को हमें क्रिएट करना है. किस तरह बोलना, किस तरह किसी को झूठा बोलते हुए बोलना कि तू झूठा है, इस टाइप का ना. मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको सच्चाई सिखाना, लेकिन ये नहीं कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब मेरे अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है. हाँ, बिल्कुल, हाँ, सही बात है, नहीं था. हमें अपनी एम्पावरमेंट भी करनी है ना. हम ये कह सकते हैं झूठ आपके लिए सही नहीं, झूठ हमारे रिश्ते के लिए सही नहीं, झूठ हमारे काम करने के तरीके के लिए सही नहीं. अगर हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, इवन अगर आपसे बड़ी से बड़ी, यू नो, वी कैन इंस्टिल दिस फेथ इन स्टाफ, इन चिल्ड्रन, इन फैमिली. आपसे बड़ी से बड़ी कोई बात हो जाए, कम एंड टेल, बताओ, उससे क्या होगा? आपकी भी पावर बढ़ेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी जो कल्चर है ऑफ द फैमिली और ऑफ द वर्क प्लेस, वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि हम ऑनेस्टी के वाइब्रेशन पर चल रहे हैं. फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी. लेकिन वही बात को अगर दूसरी तरह से क्रिएट किया कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब फिर हम गुस्सा भी कर देंगे, फिर अगले भी डरता है ये झूठ बोलता हूं तो बर्दाश्त नहीं करता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सच को कैसे बर्दाश्त करेंगे फिर? हाँ, अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, मतलब आप थोड़े से कमजोर. सच बोलो तो मारी पड़ जाएगी, ये बात है. सच क्यों नहीं कोई बोलता? सच क्यों नहीं कोई बोलता? फियर ऑफ रिएक्शन, फियर ऑफ रिएक्शन सच बोलने नहीं देता. नाराज हो जाएगा, मुझसे बात नहीं करेगा, मुझसे क्योंकि गलती है तो ही छुपाएंगे ना. कोई गलती मुझसे हुई तो ही मैं छुपाऊंगी. अब अगर मुझे आपसे कंप्लीट ये विश्वास हो जाए, मैं बताऊंगी एंड आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं बताऊंगी. लेकिन अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब आप रिएक्ट करेंगे, तो बताने में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आएगा. तो उसके मन में पहले बंदे की ये आता है कि साहब को बर्दाश्त करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है, उनसे थोड़ा. वो तो दिख ही जाएगी ना जब आप रिएक्ट करेंगे, हमारे रिएक्शन में दिख ही जाती है ना वो. तो जैसे मुरली कहती है कि उसे एम्पावर करो, एम्पावर तो करो. कैसे करें? तो हम अगर हमें कोई झूठ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, हम उसके प्रति कैसी थॉट्स क्रिएट करें? सपोज आप भी शुभ भावनाएं कैसे, शुभ भावना क्या रखें? अभी अभी किसी ने आकर झूठ बोला, अभी हम डिटैच्ड है ना, इस समय सोचना बहुत इजी है. जब वो एक्चुअल परिस्थिति आती है तो हम रिएक्ट करते हैं. अब भी सोचते हैं कि अगर हमारे सामने कोई आए झूठ बोल रहा है, उसको उस समय किस किस चीज की जरूरत है? स्ट्रेंथ. पहली बात तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? कुछ गलत किया. गलत किया तो उसको कैसी थॉट्स हैं अभी उस बारे में? फियर है. और क्या है? गिल्ट है. दो बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव इमोशंस हो गई कि जो मेरे सामने झूठ बोलकर आ रहा है, उसके अंदर फियर भी है, गिल्ट भी है. अब वो फियर और गिल्ट में मेरे सामने आए, तो मैं उसके प्रति कैसी थॉट क्रिएट करूं? तो पहले उसको शांत कैसे कर सकते हैं? अब पहले इसको शांत करना है, मुझे अपने आप पहले उसको नहीं शांत करना. पहले इसको शांत करना है ताकि ये रिएक्ट ना कर जाए और ये शुभ भावना दे. तो शुभ भावना दे मतलब ये खुद ही अभी इस समय कितने दर्द में होंगे ना. इसलिए मैं जो चाहे अपने गुरुजी को बोल सकता हूँ. हाँ, यस. और घर में नहीं बोल सकता. बिल्कुल, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे. वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते और बहुत आशीर्वाद देते हैं कि ठीक हो जाएगा. तो वो शुभ भावना है ना, ये शुभ भावना है ना.
तो अभी हमें भी तो सबके साथ वो करना ना, स्पिरिचुअल पाथ पे है मतलब क्या फर, मतलब हमें भी सेम तरह से चलना है। तो अब वो आया है हमारे सामने, झूठ बोला है तो हम क्या थॉट्स क्रिएट करेंगे? झूठ बोला है वो तो सेकेंडरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अभी कितने दर्द में होगा। अब मैं इसको अगर इस बात के लिए टोकूंगा तो इसको तो और भी तकलीफ होगी। इट्स ओके, इसको अभी आगे के लिए अब क्या करना है, अब कैसे प्यार देखे इसको, आगे ये नहीं करे अगली बार, ये शुभ भावना है। पर सिस्टर, जब कोई गाड़ी चलाते हुए ओवरटेक करके गुस्से में चले जाता तो मैं ये नहीं सोचता कि अरे ये आत्मा कितनी दुख में होगी, कितनी परेशान होगी बेचारी, भगवान मतलब उसको कोई दुआ दे या भगवान उसको शक्ति दे, ये नहीं सोचता मैं तो, सीधा पता नहीं यार काम इसको मरना है, बस इसी को तो चेंज करना है ना। बट इमीडिएटली उस वक्त तो नहीं आता तो अब, लेकिन अब पढ़ते हुए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना अंदर, तो आज सारा दिन में एक बार चेंज कर लेंगे कि अगर कोई इस तरह से इतना रैशली चला रहा है, इस तरह इतने अग्रेसिव ड्राइविंग कर रहा है, मतलब थॉट्स कैसे होंगे? तो हमें ये थॉट आने चाहिए, आत्मा कितनी परेशान है अंदर, सोच ऐसी होगी, संस्कार ऐसे होंगे, तब तो इस तरह से चला रहे हैं, इतना इम्पेशेंस दिख रही है उसके अंदर, ये आत्मा कितनी अशांत होगी। तो सबसे पहले कौन बच गया? मैं बच गए, और उनके प्रति भी कैसी थॉट। लेकिन ऊपर ऊपर से माइंड में बोल दो आज मैं ऐसे नहीं करूंगा, आज मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो हो जाता है। बेसिकली इसमें कोई मेडिटेशन करें, मेडिटेशन तो रोज करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है पहले क्लैरिटी तो आ गई ना। अभी इवन अ सिंपल थिंग लाइक दिस के कोई ओवरटेक गलत तरह से और बुरी तरह से चलाते हुए चला जाए, ऑलमोस्ट मारता हुआ आपको चला जाए, ठीक है, लेकिन और पहले क्लैरिटी कहाँ थी कि उसके लिए अच्छा सोचना है? पहले गुस्सा आने के बाद भी थॉट आ जाए तो भी काफी है ना। वेरी नाइस ना, वेरी नाइस ना, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इम्पोर्टेंट है पहले ये पता ही कहाँ था, पहले सोचते थे वो ठीक, वो है ही गलत, वो है ही बुरा, तो खुद को भी डिप्लीट, पता नहीं क्या करती है, इनके माँ बाप पता नहीं क्या सिखाते हैं, क्या थॉट्स जाते हैं। अब ये कितनी छोटी चीज है ना, गलत तरह से ड्राइव करना सड़क पे। अब इसी तरह जीवन में गलत तरह से ड्राइव करना, जीवन की गाड़ी को, जीवन में भी तो यही है ना, कोई कहाँ से ओवरटेक कर रहा है, कोई जस्ट टक्कर मारते मारते बस ऐसे ही निकल गया, कोई तो टक्कर ही मार दी, कोई पीछे खड़े हुए कॉन्स्टेंटली हॉर्न बजाएगा, बहुत कुछ होगा। कहीं भी कोई भी अगर गलत कर्म करते हुए दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट इज अ साइन कि जो कर रहा है वो खुद कैसा है, दर्द, परेशान है, दर्द में है, पेन में है। तो जो पेन में है उसके लिए फर्स्ट थॉट ही कैसे निकलनी चाहिए? कंपैशन, कंपैशन, नॉट पेन टू पेन, कंपैशन टू पेन। इसका मतलब सड़क पर कोई झगड़ा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, मैं भी अपनी बीवी को ही डांट रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे इसको? शर्म नहीं है, अकल नहीं है, सड़क पर चिल्ला रहा है, तमीज नहीं है, और वो भी अपनी वाइफ को इस तरह से बात कर रहा है, मतलब हम मतलब गुस्से में भी आ जाते हैं। कई लोग तो आके बोलते शर्म नहीं है यार, क्यों क्या कर क्या रहे, लड़ाई के बीच में घुस भी जाएंगे। yes. भले गुस्से संभालने के लिए, लेकिन संभालने के लिए भी पहले किसको संभालना है? पहले अपने को, फिर उस आत्मा को, फिर परिस्थिति को। ये इक्वेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कहीं आप इंटरवीन कर रहे हैं कुछ चीज को ठीक करने के लिए, तो आप परिस्थिति को ठीक करने के लिए इंटरवीन कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई भी पर्सन, फर्स्ट सिचुएशन, इंटेंशन, जब हम घुसते हैं, हम जब घुसते हैं हमें लगता है बात बिगड़ रही है, बात को ठीक कर दो, है ना, कहीं कुछ भी हो रहा है बात बिगड़ रही है, बात को नहीं ठीक करना है। बात किसने बनाई? बात उन आत्माओं ने बनाई। आत्मा का ध्यान रखने के बिना बात को ठीक नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ना हो कि बात को ठीक करने के प्रोसेस में सबसे पहले हम बिगड़ जाएं, मतलब हम डिस्टर्ब हो जाएं। तो जब किसी को ऐसा देखें, एंड इट कुड बी समबडी, जो आपने कहा छोटा छोटा सा ऐसा झगड़ा कि कोई समबडी रिएक्टिंग ऑन द रोड, इट कैन बी समबडी मच बिगर। आज हम अखबार में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, टीवी पर बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेवल ऑफ क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसने भी वो किया वो खुद कैसी मनोस्थिति में है? तो सबसे फर्स्ट पहली थॉट, ये आत्मा कितने दर्द में होगी जो उसने ये कर्म किया, ये आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से कितनी दूर हो गई है जो इसने ये कर्म कर दिया, ये है हमारी शुभ भावना, क्योंकि हमने कंपैशन क्रिएट किया, नफरत नहीं।
जैसे मैं नया नया फिल्म इंडस्ट्री में जब आया था तो मैंने एक देखा, एक बड़े बूढ़ा आदमी चश्मा लगा के वो ही डायलॉग सुना रहा है मुझे, ये तुमको पढ़ना है, और थोड़ी थोड़ी देर में चिढ़ रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ रहा था। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला, भाई तुम ऐसे आदमी को मेरे पास भेजते हो? और बोलता, सुरेश भाई आप एक्टर बने, आप एक साल भी नहीं हुआ बॉम्बे आया, आप वो बन गए। मैं इनके सामने असिस्टेंट था, डायरेक्टर बन गया। ये 40 साल से एक ही काम कर रहा है और इसकी तमन्ना, इसकी क्या, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान है बेचारा, आप उसको नजरअंदाज करो। कंपैशन, ये कंपैशन आज भी हम जितने भी लोगों को मिल रहे हैं, नो दिस, वी नीड टू रिमेम्बर, चाहे हम सड़क पर हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हमारे पास जो स्टाफ आ रहा है काम करने के लिए, वी डोंट नो कि हर एक के जीवन में क्या चल रहा है। हमें आइडिया नहीं है लेट क्यों आया, ये है लेट क्यों आया, घर में बच्चा बीमार था या वाइफ को क्या तकलीफ थी। अच्छा, वो बात तो आपको फिर भी चलो पता चल जाए, लेकिन अदरवाइज हर एक के जीवन में क्या क्या चल रहा है, उसका उसकी मनोस्थिति पर क्या इफेक्ट आ रहा है। मैं जिसको मिल रहा हूं वो एक मन है, वो एक आत्मा है जो अभी कलयुग के वातावरण में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना कर रहा है बिना ताकत के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समय को याद रखना कि ये समय कौन सा चल रहा है। कलयुग में रहते हुए दूसरों से सत्युग का व्यवहार एक्सपेक्ट करना, इट्स नॉट राइट। ये बहुत अच्छी लगी लाइन, कलयुग में रहते हुए दूसरों से सत्युग का। सत्युग का मतलब ये नहीं कि दिस इज नॉट इंसल्ट, इट इज कलयुग में मींस बैटरी कैसी होगी। हम सब वीक हैं, वी है, जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा अंडरस्टैंड कि ये 40 साल से इन्होंने अचीव नहीं किया तो फ्रस्ट्रेटेड है, यही पेपर पकड़े हुए हैं। हाँ, तो नाउ टू अंडरस्टैंड, नाउ टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा जो आज है वो कौन से युग में है और वो कैसी है। जैसे घर में कोई बीमार होता है और वो इरिटेट होते हैं तो सब क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बीमार है। बीमार नहीं हो और इरिटेट हो तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अवेयरनेस है बीमार है इसलिए इरिटेट हो रहा है तो कंपैशन। तो अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो बीमार है। अब कोई नया आ जाए उस पर वो इरिटेट हो तो सामने वाला कहेगा ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, तो आसपास के सब लोग क्या कहेंगे, बीमार है, अवेयरनेस। सिमिलरली कलयुग में सभी इमोशनली स्पिरिचुअली वीक हैं, तो ये हमेशा याद रखना है। वीक हैं, चैलेंजेस हर एक के सामने बड़े हैं। नाउ लुक एट द इक्वेशन, चैलेंज बड़े, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी, अचानक किसी के घर बीमारी, किसी के घर डेथ, किसी की जॉब जा रही है, किसी के बच्चा फेल हो रहा है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी की बेटी की शादी होने के बाद वो घर आ गई है, किसी के घर में डाउरी की हैरेसमेंट हो रही है, किसी के ऊपर फिजिकल वायलेंस हो रहा है, ये घरों की परिस्थितियां हैं। तो परिस्थितियां डिफिकल्ट, आत्मा कमजोर, मैं ऐसी आत्मा के साथ इस टाइम डील कर रहा हूं। तो वो आत्मा अगर थोड़ा कुछ गलत या कभी कुछ ज्यादा भी गलत करती है तो मेरी पहली थॉट क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। ये है आपकी शुभ भावना, और ये शुभ भावना देना सहयोग की कामना से अवगुण को देखते हुए भी उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान दे देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान, पिता की तरह स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। परमात्मा का क्या गायन है, वो दाता है। देवी देवताओं का क्या गायन है, वो दाता है। तो हमें भी अब हर आत्मा के लिए क्या बनना है, दाता बनना है। जैसे ही हम किसी का अवगुण देखते हैं, हम अगर उस अवगुण को अपने चित्त पर रख ले तो हमारे पास जो देने वाली चीज है वो रुक जाएगी। अगर मैं आपका अभी अवगुण देखकर चिंतन करने लग जाऊं उसके बारे में तो मेरे पास जो देने वाली चीज है, प्यार है, सहयोग है, शक्ति, वो ब्लॉक हो जाएगी और उल्टा नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। वो ब्लॉक हो गई तो दूसरी वाली आ गई ना। हाँ, तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि मुझे वो ना देखकर मेरा जो देने का काम है वो कभी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अवगुण को अपने चित्त पर
नहीं रखना, दाता बन के अपने खजानों को हर आत्मा के प्रति देने वाले बनो। फोर्थ पॉइंट, परोपकारी सदा स्वयं के खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार नहीं होंगे। सबसे पहला फायदा किसका हो गया? ये अच्छी लाइन है, संकल्प में भी गम का संस्कार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो परोपकारी है। इट्स लाइक सेइंग जो देता है, जो चैरिटी करता है फिजिकली भी, वो खुद कभी गरीब थोड़ी होगा, क्योंकि चैरिटी करेगा ही कौन? जिसके पास है, जिसके पास भरपूर है। तो जो परोपकारी होगा, मतलब जो हमेशा गुण दे रहा है, शक्ति दे रहा है, सहयोग दे रहा है, उसके पास गम नहीं हो सकता। क्यों गम नहीं हो सकता? एक, उसने किसी के अवगुण चित पर रखा ही नहीं, और दूसरा, क्योंकि उसने सहयोग दिया, प्यार दिया, और वो भी किसको दिया? जो दर्द में है उसको सहयोग दिया, तो अपने गुणों को मल्टीप्लाई किया, वहां से भी क्या मिला? वहां से भी दुआएं मिली और अपना भी प्यार और अपना वो इंक्रीज हुआ। तो फिर वो आत्मा कैसी हो गई? तो इसलिए वो आत्मा बन गई बेगमपुर की बादशाह, कि उसके संकल्प में भी गम नहीं। संकल्प में गम क्यों नहीं होगा? क्योंकि संकल्प में किसी का अवगुण रखा नहीं, तो अपनी थॉट्स क्या हुए? इसीलिए दूसरों के लिए कुछ भी किया तो सबसे पहले फायदा तो हमेशा अपना ही होने वाला, और नुकसान भी। हाँ, नुकसान भी। यस, नुकसान भी अपना, मतलब वो गलत किया तो वो भी अपना ही होने वाला है। फिफ्थ पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। वो दानी आत्मा है, परोपकारी। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ये दानी आत्मा है, इनको जो मिले, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इनके सामने अगर आ जाए तो ये क्या कर देंगे? उसको टेक, ये उसका काम कर देंगे, मदद कर देंगे। किसी को पैसे की जरूरत है, इनके सामने आ जाए, ये दे दे। मतलब जो मेरे पास बहुत होगा, किसी के बहुत अच्छे कनेक्शन बने हुए हैं शहर में, रिश्ते अच्छा बना हुआ है बहुत लोगों से, हम कहेंगे इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, आपको कोई प्रॉब्लम है ना, इनके पास जाओ, काम हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो आपने अपने अंदर भरपूर की और आपका शेयर करने का, देने का संस्कार है, तो फिर आपके पास कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, आप उसको देते जाएंगे।